हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, किसी भी फ्रूट को अगर मैं यूज़ करती हूँ, चाहे अनार को यूज़ करती हूँ, मौसम्बी को यूज़ करती हूँ, संतरा इस्तेमाल करती हूँ, पाइन ऐपल इस्तेमाल करती हूँ, तो इन सब के जो पील होते हैं वो मैं ड्राई कर देती हूँ, मतलब धो के अच्छे से सुखा के और स्टोर करती हूँ। अगर आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर स्टोरीज में मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डालती रहती हूँ। और अगर मेरे साथ कोई भी दिक्कत आती है या मेरे किसी भी मेंबर को दिक्कत आती है, सो उसकी हेल्प जो होती है वो पील से, मैं पील जो होता है ना, जो छिलका हमारा होता है फ्रूट का, उसकी हेल्प से मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड करे थे, बहुत सारी स्टोरीज रीड करी थी इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने रीड करे थे मेरे डीएम्स में। उसके अंदर मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है वाटर रिटेंशन की, स्वेलिंग की, ब्लॉटिंग की, या फिर कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन इशूज़, और उसकी वजह से उनका जो वेट लॉस का जर्नी है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। मतलब कि हार्डली आप लोग लूज़ कर रहे हो, 10 दिन में 1 किलो भी लूज़ नहीं हो पा रहा है। सो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? डीमोटिवेशन, मतलब फोकस हट जाना, आपका मन ना करना डाइट करने का। और अगर आपको रिजल्ट्स लगातार नहीं मिलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप डाइट छोड़ दोगे और आप कहोगे जो खाना है मैं खाऊं और मैं अपना जर्नी को क्विट कर दूं। सो ये काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं पिछले 6.5 से 7 साल में। अगर आपको इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपना, जिसमें आप 30-40 केजीज लूज़ करना चाहते हैं, या फिर आपको बिल्कुल लीन फिगर चाहिए, बिल्कुल एकदम पतली कमर लाइक दिस, सो ऐसी सिचुएशन में आपको ना फोकस होके चलना पड़ेगा और आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वेट लॉस जर्नी के बीच में उनको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी मेंबर्स हैं मेरे जिनको ट्रैवल करना पड़ जाता है। अब करना पड़ रहा है, वैसे तो मैं ट्रैवल अलाउड नहीं करती, बट स्टिल आप लोगों को अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है और जब आप वापस आते हो, चाहे आप कितना भी हेल्दी ऑप्शन चूज करके खा कर आओ, बट आप बलून की तरह फूले होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस हो गया, लड़ाई हो गई, आपको गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, आप एकदम मतलब लॉस हो गए, टेम्पर एकदम निकाल दिया, लाउड हो गए, और आपका बीपी भी हाई आ गया, और उसके बाद आपका जो अगले दिन का वेट है वो 1 से 1.5 किलो बढ़ जाता है। वेट जो होता है, बॉडी का जो फैट होता है, रात में 1 से 1.5 किलो नहीं बढ़ेगा। ये सब होता है वाटर रिटेंशन, इनडाइजेशन। बॉडी के ऑर्गन्स इतने ज़्यादा आपने थका मारे, उनको एग्जॉस्ट कर दिया अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से बॉडी फूल गई है, मतलब आपसे नाराज़ हो गई है। वो आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि यार थोड़ा सा रेस्ट दे दो, थोड़ा सा पीस दे दो, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास पील, पाइनएप्पल का पील जो है वो एक मैजिकल रेमेडी काम करता है ऐसी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है एक्स वाई जी रीजन्स की वजह से, जैसे कि आपने नींद नहीं ली है, आपका ट्रैवल है, आपने पानी नहीं पिया, आपको स्ट्रेस हुआ है, आपका खाना प्रॉपर नहीं जा रहा, फाइबर प्रॉपर नहीं जा रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की फास्टिंग आपकी चल रही है, फास्टिंग डाइट आपकी चल रही है, और कॉन्स्टिपेशन हो गया। सो ऐसी सिचुएशन में वेट लॉस तो भूल जाओ, और साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिक्रीज होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। नाउ वाटर रिटेंशन, अगर आपका रात में 1 से 1.5 किलो बढ़ गया है, ये सिर्फ वाटर है, बॉडी ने पानी को होल्ड कर दिया है। तो आप नोटिस करना, जिस दिन ये आपको वाटर रिटेंशन आया है उसके एक दिन पहले, ठीक है, आपने जो यूरिन है वो बहुत ही कम पास करा है। नाउ इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं? अगर आपको इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम है और आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है, आपका डाइजेशन बहुत ही कम है, आपका वेट लॉस बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रहा है, और आप कह रहे हो यार मेरा ये बेली फ्लैट कब होगा, मैं कब दिवाली पे ड्रेस पहनूंगी, या मैं कब वेडिंग्स पे अच्छी दिखूंगी, सो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक टी, पाइनएप्पल पील टी। इसको मैं बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ, आज मैं फर्स्ट इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पाइनएप्पल पील एंड जिंजर की टी। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं बता दूँ, पाइनएप्पल का जो पील है वो रिच सोर्स है वाइटामिन सी का। नाउ जिन जिन की बॉडी पे, या फिर जिनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं दाग धब्बे या फिर एक्ने रहते हैं, दाने हुए पड़े हैं, या फिर आपके फेस पे बहुत सारे दाने और आपको क्लीन एंड क्लियर स्किन चाहिए, बिल्कुल साफ स्किन चाहिए, ताकि आप मेकअप की लेयर्स ना लगाओ, सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये टी ऐड करते हो 15 से 20 दिन लगातार, आप अपनी पूरी स्किन कॉम्प्लेक्शन में बहुत ही ह्यूज चेंज देखेंगे। नेक्स्ट इज, आपके एक्ने बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और अगर एक्ने के मार्क्स भी हैं तो वो भी गायब होंगे। सेकेंड आता है फैट लॉस एंड वेट लॉस। वेट लॉस में ये टी बहुत अच्छा हेल्प करती है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। सेकेंड इज, ये जो है आपके डाइजेशन पे काम करती है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर जो स्टोर हुआ है उसको फ्लश ऑफ करती है। जब आप ये ड्रिंक लेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप बार बार यूरिन पास करने जा रहे हो, क्योंकि जितना होल्ड किया हुआ वाटर है वो सारा निकल जाएगा, और आपको अच्छे से फ्रेशन अप होने में भी ये टी जो है वो हेल्प करेगी।
नेक्स्ट इज ये जो टी है मेजरली काम करती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और ये जो टी है इसको लेना कब है, ये टी आप मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, नाइट ड्रिंक में ले सकते हो, एंड ये टी जो है आप अपने इवनिंग के जो आपका ग्रीन टी का टाइम होता है उसमें भी ले सकते हो। दिन में सिर्फ एक ही बारी इस टी को लेंगे, और मैं बेस्ट टाइम बताऊँ तो आप रात को इसको लीजिए एज अ नाइट ड्रिंक, और तब आप देखिएगा आपके 15 डेज के अंदर अगर आप प्रॉपर डाइट कर रहे हो बट स्टिल आपका वेट बहुत स्लो जा रहा है, इस टी की हेल्प से आपका जो वेट है वो थोड़ा सा गाड़ी जो है तेज़ी पकड़ेगी, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, बार बार कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं आएगा। सो ये टी बनानी कैसे है चलते हैं किचन में। ऑलराइट जी, सबसे पहले ये है मेरे पास पाइनएप्पल पील, जिसको मैं गर्म पानी में वॉश करके निकाल रही हूँ। ये आधे पाइनएप्पल का पील है, सारी मिट्टी जो है सब मैंने यहाँ से पील से हटा दी है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे गर्म पानी में। ये पील रेडी है टी के लिए। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरा 2 कप पानी जो है उबलने रख दिया मैंने, इसके अंदर ये जो पील है मैं ये ऐड करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है 1 चम्मच जिंजर, अब इसको हम उबलने देंगे जब तक कि हाफ जितना ना हो जाए। ऑलराइट, नाउ ऐड जस्ट पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, ये जो टी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। वेलकम बैक जी, ये जो लोग इतना वेट कम करा है और जिस तरीके से मैंने वेट कम करके अपनी स्किन ठीक करी है, अपने बाल ठीक करे हैं, खुद को ठीक करा है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्टोरी मेरी जैसी है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज रीड करी हैं। मेक श्योर कि आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल भूल के अपने टारगेट पे अगर फोकस करते हो, आप अपने करियर पे फोकस करते हो, आप अपने फिगर पे फोकस करते हो, आप अच्छे दिख रहे हो, फील गुड फैक्टर आ रहा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप हर चीज़ कर जाओगे। बट अगर आपके अंदर फील गुड फैक्टर ख़त्म हो गया तो आप आगे कुछ भी करने के फॉर्म में नहीं रहोगे। सो अपने आप को पैम्पर करेंगे हम, अपने आप का टेक केयर करेंगे। सबसे पहले आप खुद को अपने लिए प्रायोरिटी पे रखो, उसके बाद जाके कोई और पर्सन। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, एंड लीव अ कमेंट कि किस किस का कितना केजी लूज़ हुआ है इस टी को लेने के बाद। अगर आप वेट मेंटेनेंस पे भी हो, आपको कुछ इंचेस ही गेन है या 2-3 किलो ही गेन है, तब भी आप ये जो टी है आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए और आप ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे, स्पेशली अपने बेली एरिया में और अपने कमर में। So that's it about this video guys. So I'll see you soon in my next upcoming video. Take care, ji. Bye bye.